हेलो, सत श्री अकाल जी। लाइव आया इस बच्ची की अपडेट देने के लिए। बुगी आए मेरा बच्चा, किश मेरे बच्चे नू। तो बच्चे की दोनों आईज का ऑपरेशन हो गया है, अब देख सकते हो। काफ़ी लोग ना, मतलब कि कल जैसे हमने इस बच्ची को पिक किया था, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए थे, देन इसकी सर्जरी हुई थी। हमारे पास ना काफ़ी वीडियोस पड़ी है, तो जब हम जैसे वीडियोस अपडेट करना चाहेंगे ना, बहुत से लोग ऐसा कंटेंट देखना नहीं चाहते। मैं समझती हूँ कि फील होता है ना, हम ऐसी क्रूरिटी देखना नहीं चाहते कि हम जैसे हमारा इतना दिल नहीं कि हम देख नहीं पाते। लेकिन वही बात है कि हम एक जस्ट वीडियो नहीं देख पाते, और इतने गंदे लोग इन बच्चों के साथ क्रूरिटी कर देते हैं। बेचारी एक तरफ से ब्लाइंड हो चुकी है ये बुगी। मैंने ये डाइज रखे थे बीच में कि छोटे बच्चे इधर ना आए, तो ये वाला पूरा एरिया इसको दिया हुआ है अभी। तो यहाँ ये बैठी हुई थी, तो अपनी मर्जी से यहाँ से चल के आई है। तो स्टील का बाउल इसके लिए पता क्यों रखा है, जैसे अभी ये ब्लाइंड हो चुकी है बच्ची ना, तो स्टील के बाउल, देखो बाउल से ना एकदम अलर्ट हो जाती है कि कुछ खाने का सामान आ गया। क्योंकि अभी इसको, वही तो बात है ना कि अभी ब्लाइंड डॉग को कैसे ट्रीट करना है ना, कैसे इसको खाना देना है। तो मम्मी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये मतलब ये एक्चुअली इसको अपने अभी इसकी जो बाउल है इसकी पहचान हो जाएगी। जब भी मैं ये लेके आऊँगी इसको पता लग जाएगा कि है ना कुछ खाने का सामान आ रहा है। तो पानी पिलाया था इसको, थोड़ा सा खाना दिया था, तो बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बेचारी पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई है। तो अभी हम बस बड़े गाँव जाने वाले थे, तो सोचा कि एक बार आपके साथ लाइव आके ना आपको अपडेट देते हैं। माने एक सेकेंड रुकना भाई, सर्किट आ जाओ। आ गई। और वो छोटे बच्चे को उठा के लाइए, एक बार काटो नीचे छोटे बच्चे को ना, गोदी में उठा के लाइए उसको। सर्किट अंदर आओ बेबी। तो ये डाइज इसलिए रखे थे कि छोटे बच्चे उधर ना जाए, है ना। और वैसे अभी तो एक जना ऊपर ही ओ गॉड गिरने वाली थी, महसूस कर रखा है नीचे। सर्किट ये बैठा हुआ है, सर्किट चीकू पीछे सो रहे। सर्किट 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 नाउ बेबी नाउ। तेरी आईज कैसी है, तेरी आईज कैसी है, देखियो। मुग्गी मिलो छूनो बच्चो जी। अब इसको आप पूरी आवाज़ से इसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि ये आवाज़ पहचाने कि हम इसको बचाने के लिए घर में लेके आए हैं। लेकिन दुनिया इतनी गंदी हो गई है। मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग क्रूरिटी करते हैं, है ना, और जो लोग उसको देख रहे हैं, देखते हो भी उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे, और देख के भी लाइक उस जो क्रिमिनल है उसको सजा दिलवाने का नहीं ट्राई कर रहे, तो वो क्रूरिटी करने वाले से बड़े गुनाहगार ना वो लोग होते हैं जो ये तमाशा देखते हैं। सीरियसली, ये रही बेबी वो कल वाली। ओए नोनी, ओए नोनी मेरे बच्चा, बच्ची बिल्कुल ठीक है, खाना इसने खाया है, सुबह इसको डॉक्टर पे लेके गए, इसको नींद आ रही है, अभी इसका चेकअप करवाया, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। भगवान का करिश्मा था कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। जाओ इसको सोना है अभी। तो ये नीचे मम्मी और के साथ ही रहती है, आपको दिखाने के लिए इसको इधर लेके आए थे। तो सो एक बार पूरी दिखा दे एक बार इसको कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है। नीचे नीचे छोड़ियो, ये रही बिल्कुल फिट एंड फाइन है, चलती है खेलती है इनके साथ। वो देखो गुगी, ले जा बेटा इसको कमरे में सुला दे नीचे इसको। शरारती बहुत ज़्यादा, सच्ची में बहुत ज़्यादा शरारती है। मतलब जिसने क्रूरिटी की, कुछ लोग बोलते हैं ना उसने ड्रिंक कर रखी होगी, वो शराबी होगा, वो ये होगा, उसको गुस्सा आया होगा, तो उसने क्रूरिटी कर दी। लेकिन उस क्रूरिटी को देखने वाले सबसे बड़े गुनाहगार होते हैं। और उसके बाद जो ये भी देख लेते हैं कि क्रूरिटी करने के बाद इन बच्चों को चोट लग गई है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की बजाय इसको 5-6 दिन देखते रहना, सबसे बड़े गुनाहगार वो हैं। सच्ची बताऊँ तो मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसा कोरोना आए कि पूरी दुनिया का अंत हो जाए, जिसमें हम जैसों को मरना पड़े, हम जैसे भी मरे उसमें, खाली बेजुबान रह जाए इस धरती पे, सच्ची में। तो इस बच्ची की दोनों आँख की सर्जरी हो गई है, इसको एक मक्खी तंग कर रही है, इसको मैं अंदर ही लेके जाऊँगी। वो देखो छोट छोट की कीड़ा जख, खड़ जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा बुगे। हाँ जी, जब ये ऊपर मेरे कमरे में रहेगी ना, तो इसको इसको अपना एरिया पता लग जाएगा कि इसको बालकनी में आना है, इसको अंदर जाना है, इसको किधर जाना है ना। तो बुग्गी मुझे खा दो एक बार, नोनी
नौनी बच्ची, चलो। तो अभी नाम रखेंगे इस बच्ची का, इंट्रोड्यूस भी करेंगे आपके साथ। बच्चे अंदर आओ। तो ये बाउल इसका हमने फिक्स कर दिया कि जब भी ये आएगा इसको आवाज़ से पता लग जाएगा कि ये मेरा खाना लेके आए हैं। तो बड़े गांव कुछ कल इंसिडेंट हुआ था, तो थोड़ी देर में जाके बड़े गांव लाइव आएंगे, तो वहाँ से मैं एक दो चीज़ अपडेट करूँगी। उसके बाद हमने करण लेक पे जाना है। करण लेक पे भी सुबह सुबह 3-4 चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ जाके आपको लाइव दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर जब सुबह बारिश आई थी हम सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन इन बेजुबानों के साथ वहाँ क्या हुआ। तो वहाँ जाके डेफिनेटली मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, देन आपके साथ डिस्कस करूँगी। हाय गुरबानी दी। तो ये बच्ची भी रेस्ट कर रही है, आराम से रेस्ट कर रही है। इसको पता लग कहीं ना कि इसको पता है कि मेरे को सुकून मिल गया है ना। बेचारी गलियों में, गाड़ियों के नीचे, कहीं भी, मतलब ऐसे बेचारी उस दिन देखा ना बहुत बुरी हालत में थी। बहुत फील होता है यार। प्लीज़ इन बच्चों का इलाज करवा दिया करो, प्लीज़ इलाज करवा दिया करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, इन बच्चों को ये नौबत तक आना ना पड़े। सच्ची बताऊँ, उसको एक आँख से थोड़ा सा भी विज़न होता ना तो इसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी की पिक्चर ये अलग थी। लेकिन अभी एक तरफ से ब्लाइंड हो चुकी है, तो मैं तो भाई इसको कहीं नहीं छोड़ सकती, ये घर पर ही रहेगी। इसका पूरा ट्रस्ट लेके इसको थोड़े दिन में दिखाएंगे कि हमारे साथ खेलेगी भी, सब करेगी, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। बस थोड़ी देर में ना बड़े गांव निकल रहे हैं, तो वहाँ से जाके एक बार लाइव आएंगे। अभी के लिए बाय बाय।